हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कल के वीडियो के आगे से अध्ययन शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने यह पढ़ा था कि संधारित्र में आवेश संचित करने में परावैद्युत पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और परावैद्युत पदार्थ को भरने से संधारित्र की धारिता के मान में वृद्धि होती है। ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी भी संधारित्र को अधिक आवेश संचित करने के लिए उसको बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, लेकिन एक ही संधारित्र में बहुत आवेश संचित करना संभव नहीं है। तो यदि हम लोगों को अधिक से अधिक आवेश संचित करना है तो उसमें हम लोगों को एक से अधिक संधारित्रों की आवश्यकता पड़ती है। उसी क्रम में हम लोग संधारित्रों से किस प्रकार से अधिक आवेशों को संचित कर सकते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे संधारित्रों के संयोजन में। और संधारित्रों के संयोजन की हम लोगों के पास मुख्यतः दो प्रकार होंगे, जिसमें से एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, अर्थात कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कि हम लोग दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जोड़ दें यदि हम लोग दो या दो से अधिक संधारित्रों को, तो कुल धारिता के मान में कमी होगी, वृद्धि होगी, कितना होगा इसके विषय में हम लोग अगर देखें तो उसके लिए हम एक काम करें। तो सबसे पहले हम लोगों को इसलिए जानना होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन की डिफिनीशन क्या हो सकती है, परिभाषा क्या हो सकती है, या किस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन या संयोजन कहते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए हम लोगों के पास तीन संधारित्र का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता है C1, C2 और C3। तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं है C1, C2 और C3। इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ कम माना जाएगा? तो इस संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ कम माना जाएगा जब इस संधारित्र के इस स्थिति को हम लोग ऐसे कर लें और पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर यहाँ पर हम लोग ये संधारित्र की प्लेट है और फिर इसको ऐसे जोड़ते हैं और अंतिम संधारित्र को हम लोग अर्थहीन कर रहे हैं। तो इस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। परिभाषा क्या दे सकते हैं इसकी, कि दिए गए संधारित्रों में से पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और आगे ऐसे ही अन्य संधारित्रों को जोड़ते जाएं। अंत में अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को भूसंपर्कित करते हैं, अर्थहीन करते हैं, और पहले संधारित्र के पहले प्लेट को हम स्रोत से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें अगर हम लोग ये मान लें कि तीन लिए गए संधारित्र जो हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, स्रोत और सोर्स, सोर्स और इस ये अर्थहीन के बीच का विभवांतर जो G है, और इस स्रोत के द्वारा संधारित्र के पहले प्लेट को प्राप्त आवेश अगर प्लस Q है, तो इंडक्शन से प्रेरण से पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट पर उत्पन्न आवेश की मात्रा माइनस क्यू होगा। फिर अगर इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा तो इस प्लेट पर फिर प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। इस प्रकार देखने को ये मिल रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के संचित आवेश की मात्राएं आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या होता है, वर्णों का जो मूल सूत्र है Q = Cv से हम लोग देखें, तो ये V = Q/C, V = Q/C। तो चूंकि प्रत्येक संधारित्र की धारिताएं भिन्न भिन्न है, धारिताएं अलग अलग हैं, तो धारिता भिन्न भिन्न होने से आवेश की मात्रा सभी संधारित्रों के समान है, तो धारिताओं के भिन्न भिन्न होने से इनके विभव भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि इसका विभव अगर हम लोग V1 मान लें, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के विभव को अगर हम लोग V2 मान लें, फिर तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर हम लोग V3 मान लें,
तो अब हम लोग इसको इस C1, C2 और C3 के बीच में गणितीय संबंध प्राप्त कर सकते हैं। उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको देखिए नोट्स में कैसे आप क्या करेंगे। तो नोट्स में लिखेंगे आप, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता है C1, C2 और C3 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और पहले संधारित्र के पहले प्लेट को +Q आवेश प्राप्त होता है। तो प्रेरण से पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट पे -Q, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पे +Q, इस प्रकार से सभी संधारित्रों पे संचित आवेश की मात्राएं आपस में समान होती है। अब स्रोत और वो भूसंपर्कित वाले अंतिम प्लेट के बीच का विभवांतर अगर भी हो, इन सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर V1, V2 और V3 हो, तो V=Q/C से हम लोग निकालें तो V1 निकलेगा हम लोगों का Q/C1, V2 निकलेगा हम लोगों का Q/C2 और V3 निकल जाएगा हम लोगों का Q/C3। अब चूंकि ये कुल विभव का मान जो होगा या इन विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, तो कुल विभव भी का जो मान होगा वह V1+2+V3 के योग के बराबर होगा। इस 1, 2 और 3 V1, V2, V3 का मान यहाँ से बाहर रखते हैं, जो हो जाएगा Q/C1, फिर Q/C2, फिर Q/C3। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद ऐसे सोचिए कि इन तीनों संधारित्रों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र यहाँ पे स्थापित किया जाए जिसकी धारिता जो है इन तीनों संधारित्रों की धारिताओं के तुल्य हो। तो ऐसे संधारित्र को हम कहते हैं तुल्य संधारित्र। जैसे आप पढ़े होंगे तुल्य प्रतिरोध 10वीं, उसी तरह से उसी कंसेप्ट पर यहाँ पे तुल्य संधारित्र। तो तुल्य संधारित्र की धारिता तो यहाँ पे हम लोग पता से मानना होगा कि तुल्य संधारित्र की धारिता जो है, यदि तुल्य संधारित्र इसको बोल दिए संधारित्र की धारिता सी हो, तो ये जितना विभवांतर है इनके बीच में कुल विभवांतर इसी के ऊपर लगेगा और इस भी का मान हो जाएगा Q/C। समीकरण नंबर 2 या समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं हम लोग, और तुलना करेंगे लोग तो हम लोग मिल जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर कि तुलना करने पर या करने से मिल जाएगा हम लोगों को Q/C = Q/C1, Q/C2, Q/C3। अब पूरे समीकरण Q का भाग दिया जा सकता है, ये हो जाएगा 1/C = 1/C1+1/C2+1/C3। मीन्स जब संधारित्रों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का जो मान होता है वह सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों को सीधे जोड़ने में प्राप्त होता है, और संधारित्रों की जो धारिताएं होती हैं जब संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें तुल्य धारिता का जो मान निकलता है वह सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम 1/C1+1/C2, इसको हिंदी कैसे कहेंगे, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर जो होता है वह तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम होता है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ तुल्य संधारित्र की धारिता जो है प्राप्त कर पाते हैं जब ये संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब उसको बनाइए। तो संधारित्रों के संयोजन का जो दूसरा प्रकार है वह है समानांतर क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। दो या दो सभी संधारित्रों को जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय तुल्य धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है वो तो सूत्र निकलने के बाद पता चलेगा कि बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा समानांतर क्रम संयोजन का डिफिनेशन, परिभाषा क्या होगा। तो इसका परिभाषा यहाँ से क्लियर से देख के समझा जा सकता है कि दिए गए सभी संधारित्रों के
पहले प्लेट को बैरिस स्रोत के ढंग रूप से और इन सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट को यहाँ एक बिंदु से जोड़ के उसे भू संपर्कित करते हैं, अर्थ इन करते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में जो इसमें संचित आवेश की मात्राएं होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी, क्योंकि इसमें संचित आवेश की मात्राएं जो है दो बातों पर निर्भर करती हैं, और ये होता है Q = VC होता है। तो आवेश की मात्रा जो विभव और उसकी धारिता पर निर्भर करता है, क्योंकि सारे संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग ली गई हैं C1, C2 और C3। तो सी का मान बदलने से इस पर संचित आवेश की मात्रा भी बदलेंगे, लेकिन स्रोत और ये दूसरे बिंदु या बिंदु ए और बी भी आप लिख सकते हैं, इस बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर जो है ये स्थिर होगा, नियत होगा सभी प्लेटों के लिए। अब जब स्रोत से इसे जोड़ के हम लोग इस भाग को आवेशित करेंगे, तो इस पर अगर प्लस Q1 आवेश आएगा स्रोत से तो यहाँ पे माइनस Q1 आवेश प्रेरित होगा, यहाँ प्लस Q2 आवेश आएगा माइनस Q2, प्लस Q3 आवेश इसके उत्पन्न होगा माइनस Q3 आवेश जो है इस संधारित्र पर प्रेरण से उत्पन्न होगा। तो फिर एक बार शुरू से इसकी डिफिनेशन की बात करें, तो डिफिनेशन फिर एक बार दोहरा लीजिए कि दिए गए सभी संधारित्रों के एक प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़ के उसे वैद्युत स्रोत से, सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेटों को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ के उसे भू संपर्कित कर दें। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन याद रखना है कि समानांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर संचित आवेश की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन इनके सभी प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो समान होता है, इसमें विभवांतर समान होता है। तो अब ये तो परिभाषा के रूप में हो गया, अब आप नीचे मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए लिखेंगे कि माना C1, C2 और C3 धारिता वाले तीन संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसे वैद्युत स्रोत से जोड़ने पर इसमें संचित आवेश की मात्राएं Q1, Q2 और Q3 संचित आवेश की मात्राएं Q1, Q2 और Q3 हो, तो Q1 = कितना होगा? Q1 = होगा V × C1, Q2 होगा हम लोगों का इस सूत्र के अकॉर्डिंग V × C2, Q3 होगा हम लोगों का V × C3। अब थोड़ा सा सोचिए कि इस ये आवेश Q1, Q2, Q3 मिलेगा कहाँ से? तो ये आवेश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं इस वैद्युत स्रोत से। तो वैद्युत स्रोत ने कुल कितना आवेश दिया है प्लेटों को? तो वैद्युत स्रोत के द्वारा दिया गया आवेश की मात्रा अगर क्यू हो तो क्यू का मान हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। अब यहाँ से Q1, Q2 और Q3 का मान उठा के यहाँ से रख दिया जाएगा, तो हो जाएगा VC1 प्लस VC2 प्लस VC3। ये हो गया कुल स्रोत के द्वारा दिए गए आवेश की मात्रा Q का मान में इतना है। अब यदि इन तीनों संधारित्रों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र यहाँ पर स्थापित किया जाए जिसकी धारिता इन तीनों संधारित्रों के तुल्य हो, या उस एक संधारित्र का जो प्रभाव है मतलब स्रोत से ली गई आवेश की मात्रा या विभव और आवेश की मात्रा समान हो, उस अवस्था में यहाँ इन तीनों का स्थान पर लिए गए संधारित्र की धारिता सी हो तो उस संधारित्र को कहेंगे हम लोग तुल्य संधारित्र। तो यहाँ पर हम लोग तुल्य संधारित्र इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए लिखते हैं। यदि तुल्य संधारित्र की धारिता सी हो तो उसमें भी संचित आवेश की मात्रा होगी कितनी? क्यू, और उसका मान कितना होगा? तो Q = होगा V × C। अब यह समीकरण एक और दो से दोनों समीकरण के LHS बराबर है, तो समीकरण एक और दो की तुलना कर लेते हैं हम लोग, और तुलना करने के बाद हम लोग को मिल जाता है VC = VC1 + VC2 + VC3। अब पूरे समीकरण V का भाग करेंगे तो हमें जाएगा हम लोग को C = C1 + C2 + C3। इस प्रकार इस संयोजन में हम लोग को ये मिलता है कि तुल्य धारिता का जो मान होता है
वह सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के बराबर होता है। यानी हम लोग को धारिता का मान अगर बढ़ाना हो तो ऐसे समय में हम लोग संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और यदि तुल्य धारिता का मान घटाना हो तो ऐसे संधारित्रों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तब जाके तुल्य धारिता का मान कम होता हो तो हो जाता है, और ऐसे जोड़ने में तुल्य धारिता का मान बड़ा हो जाता है। अब इन दोनों संयोजन को मिला के एक साथ भी काम किया जाता है, मतलब एक ऐसा परिपथ लिया जाए जिसमें संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में भी जुड़े हों और समानांतर क्रम में जुड़े हों, तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहेंगे मिश्रित संयोजन। तो मिश्रित संयोजन के लिए आपको अलग से कुछ इस तरह का नहीं बताया जाएगा, लेकिन जहाँ जैसे आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समानांतर या श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग जो है अपने प्रश्नों को हल करने के लिए करते हैं। और इसके बाद से अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बचा होगा, इसके बाद से वांडे अगर आप जनित रहे और उसके बाद से ये पाठ करते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग न्यूमेरिकल को प्रारंभ करेंगे, और न्यूमेरिकल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और एक दो वीडियो के बाद न्यूमेरिकल फिर शुरू किया जाएगा। ओके।